कल सोनिया जी से पवार साहब की बैठक हुई, महाराष्ट्र के राजनीतिक परिस्थिति पर चर्चा हुई, जिसकी जानकारी पवार साहब ने स्वयं दी थी। जैसा कि मुंबई में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आया था, अहमद पटेल जी, खड़गे साहब, वेणुगोपाल जी, और उस समय जो बात हुई थी कि हम सोमवार और मंगलवार के दिन मिलेंगे। सोमवार की तो बैठक हो गई, आज की बैठक इंदिरा जी की जयंती के कारण कांग्रेस के नेता व्यस्त हैं, इसलिए आज की बैठक कल पर टाली गई। कल कांग्रेस के आलाकमान के लोग, महाराष्ट्र के नेता, हमारे दिल्ली और महाराष्ट्र के नेता एक साथ बैठेंगे, और जिस तरह से पवार साहब ने कहा है कि हम अपने सभी सहयोगी दलों को विश्वास में लेके आगे क्या करना है इसका निर्णय लेंगे, तो कल कांग्रेस के साथ हम लोग बैठेंगे। जो परिस्थितियाँ हैं उसके ऊपर फिर चर्चा होगी, कोई रास्ता निकल सकता है क्या, इस पर चर्चा करने के बाद अगर कोई सहमति बनती है तो आगे जाएंगे। सर कौन कौन होंगे एनसीपी की तरफ से? एनसीपी की तरफ से पवार साहब, प्रफुल्ल पटेल जी, सुनील तटकरे जी, विधानसभा के सदन के नेता अजीत पवार जी, जयंत पाटिल जी, पांच लोग हमारे तरफ से हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो लोगों को शामिल किया जाएगा। और कांग्रेस के भी जो लोग हैं उनके प्रांत के अध्यक्ष अहमद पटेल जी हैं, खड़गे साहब हैं, वेणुगोपाल जी हैं, और कौन कौन लोग हैं, तो इस तरह से शेड्यूल है। समय और वक्त अभी तय नहीं है, आज देर रात पता चलेगा और कल बैठक होगी। सर सीएमपी में क्या क्या मुद्दे आप लोग लाना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए सीएमपी इस तरह की चीज़ नहीं थी, क्या एजेंडा होगा ये बात हुई थी, दोनों दल बैठ के तय करें, लेकिन शिवसेना को भी कुछ लोगों ने बुला लिया था, ये सच्चाई है, उसे नकारा नहीं जा सकता। तो पहले ये तय हुआ था कि हम और हमारे सहयोगी दल बैठ के तय करें कि हमें क्या करना है। एक बार हमारे बीच में सहमति बन गई तो कोई पर्याय सरकार बन सकती है कि नहीं, अगर बन सकती है तो फिर आगे बातें बढ़ाई जाए। ये पहले दिन से कांग्रेस एनसीपी की बैठक में तय हुआ था, और आगे भी कल की बैठक के बाद उसी दिशा में हम कदम उठाएंगे। सर